पंजाब सरकार पंजाब के स्कूलों में चाइनीज भाषा लागू करने जा रही है, जबकि पंजाब कला परिषद के चेयरमैन सुरजीत पात्र से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि पहले माँ बोली की तरफ ध्यान देना चाहिए, फिर हमें कोई और भाषा की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस दौरान सांसद बिट्टू और कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु ने कहा कि स्कूलों में टीचर्स की कमी है और दुनिया एक हो चुकी है, इसलिए हमारे बच्चों को सभी देशों की भाषाएं आनी चाहिए। देखो, पहले तो ये बात आपकी ठीक है, अभी जो 10 साल हुआ है, कहीं ना कहीं हम टीचर्स की भी ज़्यादा ड्यूटीज पे लगा देते हैं और कई बार टीचर्स पूरे स्कूल में जितने टीचर चाहिए जिस जिस सब्जेक्ट्स के वो नहीं हैं, ये मानने वाली बात है। तो बच्चों को अगर एक टीचर अलग अलग सब्जेक्ट वही टीचर पढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इससे पंजाब का ख़ास तौर पे रिज़ल्ट है जो वो कम हुआ है, लेकिन लुधियाना को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो अभी रिज़ल्ट आया है वो लुधियाने का ही बच्चा जो सारी स्टेट में जो फर्स्ट आया है उसकी मुबारकबाद भी है। जहाँ तक आपने कहा है चाइनीज़ या दूसरी लैंग्वेज, क्योंकि आज दुनिया एक हो चुकी है और चाइना हो चाहे यूरोपियन देश हो, तो बहुत हमारे बच्चे हैं जो आज उन कंपनियों के साथ तालमेल करके उनका काम भी यहाँ बैठ के भी उनका काम कर रहे हैं, चाहे कॉल सेंटर्स हो चाहे और काम हो, बड़े काम हो, तो वहाँ जाके भी बहुत। तो अगर वो शुरू से ये लैंग्वेज सीख जाएंगे, और ये उनकी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं किसी ने पढ़ाना, अगर इन लैंग्वेज में वो रुचि लेते हैं तो मैं समझता हूँ जो आज मार्केट है वो वर्ल्ड वाइड दुनिया की मार्केट है, तो उसमें बच्चों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। बच्चे फेल होने नाल बच्चों की बच्चों पढ़ाई ऑफर करने के तरीके तो बंद नहीं होने चाहिए, पंजाबी भी बच्चों परिपक्व करना चाहिए तो नाल अगलिया होर भाषा। मेरा आप का बेटा स्पैनिश सीख रहा है, आज ग्लोबलाइजेशन च जरूरत है, जदों तुसी दूसरे मुल्कां नाल किसी बिजनेस जाना है जां विचार वटांदरा करना, उन्हां दी भाषा आनी चाहिए। अज चाइना एड्डी वड्डी इकोनमी है तो बड़ा स्कोप है उधर जाके गल करन दा, जे चाइनीज़ भाषा इत्थे लागू हो रही है तो उहदे नाल बच्चियां नूं फायदा ही होएगा आने वाले भविख विच, जदों उह वड्डे हो जाणगे सिख जाणगे तो सारे फैक्ट्रियां नूं जिहड़े होर एंटरप्रेन्योर ने जिन्हां नूं जरूरत हुंदी है उधर गलबात करन दी, उहनां नाल उहनां नूं जाके कोई मदद देणगे। देखो जी एक गल है ना, असं इदा मानते हैं कि भाषावं जिन्नियां मर्जी सीखो, भाषा कोई दुश्मन भाषा नहीं होंगी, भाषा दा सिर्फ मसला यह आ कि भाषावं की तरतीब सही चाहिए आ, कि जिन्हें भी सिक्ख्या शास्त्री आ उन्हों का यह मत है कि तुसी जिहड़ियां पहलियां पंज मातां है वह सिर्फ माँ बोली नूं समर्पित करो, उस तो बाद दूजियां भाषावां नूं दूजी भाषा के तौर पर पढ़ाओ। सो कोई भी भाषा पढ़ाउणी कोई बुरी गल नहीं, चीनी होवे, जापानी होवे, अंग्रेजी होवे, पर मुख्य शर्त यह है कि बच्चे दियां पहलियां जिहड़ियां पंज मातां ने वो निरोल उहदी माँ बोली विच हो।